Hello student, I am Suman ma'am, subject teacher of banking and insurance. Welcome to our channel Share Power Study. Now we will study first chapter of banking and insurance, that is law related with negotiable instrument. Let's get start the video and talk and understand the subject. Law relating to the negotiable instrument which were passed in the year 1881. Okay. जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ था उसका एक्ट कब पास हुआ था 1881 में. आपको सबसे पहले ये दोनों टर्म समझने पड़ेंगे कि नेगोशिएबल का मतलब क्या है और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है अलग अलग, नहीं तो आपको चैप्टर क्लियर होगा ही नहीं. नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, मतलब जैसे ही किसी को हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी का बनाते हैं वैसे ही वो क्या हो जाता है, ट्रांसफरेबल हो जाता है. मतलब उसको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट जो कि क्या करता है, एक राइट देता है क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जिससे कि वो क्या कर सके, अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत होती है तो उसके अगेंस्ट में केस सीव कर सकते. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को किसी भी सेक्शन ने डिफाइन नहीं किया है. इस सेक्शन में सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि इसके कितने टाइप्स हैं. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेमली नंबर वन आपका चेक्स, नंबर टू प्रॉमिसरी नोट और नंबर थ्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज. Please like and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Next video is coming soon.